नवरात्र के चौथे दिन देश प्रदेश के मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा है और आज भक्त जन नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। अनाहत चक्र में ध्यान कर मां कुष्मांडा की साधना की जाती है। मां कुष्मांडा में ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है। उनके पूजन से भक्त में किसी भी समस्या का सामना करने की शक्ति आ जाती है और दुखों से मुक्ति मिलती है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले स्थित मां चामुंडा मंदिर में नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मेहरानगढ़ ट्रस्ट ने दर्शनों के लिए खास इंतजाम किए हैं। यहां पर शराब पीकर जाना, शराब साथ लेकर जाना और चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। साथ ही ट्रस्ट की ओर से 3 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। किले में पुरुष और महिला दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। मेहरानगढ़ ट्रस्ट के निदेशक कर्णी सिंह जसोल भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवरात्रि का मौका हो और जोधपुर के किले की जो मां चामुंडा है उसके दर्शन नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चामुंडा का ये वो मंदिर है, ये वो मूर्ति है जो पूरे मारवाड़ में ही नहीं पूरे राजस्थान और देश भर में विख्यात है। केवल मनोकामना पूरी होने के लिए ही मां चामुंडा को नहीं पूजा जाता, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि यहां पे जो विश्वास और आस्था है वो बरसों से जुड़ी है। यहां घनश्याम त्रिवेदी जो पुजारी उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर की जो है किस तरह का इतिहास रहा है। ये सर चामुंडा माता जी का मंदिर है, ये बहुत जो प्राचीन मंदिर है, करीब 560 साल लगभग प्राचीन है। लोग जोधपुर के लोग माता जी के बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों में माता जी के प्रति, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रि में विशेष रूप से ज्यादा संख्या में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नवरात्रा में चाहे छोटे नवरात्रा हो चाहे बड़े नवरात्रा, उस दौरान श्रद्धालु बहुत है। इस वक्त हमारे साथ श्रद्धालु से बात करते हैं। आप पूरे परिवार के साथ आए हैं, क्या मांगा है माँ से? यहाँ मैं अपने पूरे परिवार गूगल सोसाइटी के साथ में यहाँ आई हूँ और हमने माता का दर्शन कर लिया और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को सुख शांति मिले और माँ की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे। किस तरह से देखते हैं कि ये जो माँ चामुंडा की जो पूजा अर्चना को आप नवरात्रा के दौरान? ये नवरात्र बहुत ही महत्व होते हैं, पूजा अर्चना पूरी होती है, माँ का आशीर्वाद रहता है, इसीलिए हम इस चामुंडा माता को पूरा पूजते हैं, किले के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, इसमें जहाँ तक मैं सोचती हूँ जोधपुर के सारे जनता आती है दर्शन करने के लिए। तो ये श्रद्धा का सवाल है, किस तरह से आपने भगवान से प्रार्थना की? मैंने भगवान से अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि तो मांगी है और चामुंडा देवी के बारे में सुना भी है, जाना भी है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में आने से। मेरी नहीं अपितु पूरे जोधपुर की श्रद्धा टिकी हुई है चामुंडा माता के मंदिर पर। कैसे लेते हैं मां चामुंडा का? सुना है कि मारवाड़ से बाहर से भी लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ये सिर्फ जोधपुर के लिए ही नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है और माँ के दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धा आस्था विश्वास और सबसे बड़ी बात है उस पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ सवाल है जहाँ पे लोग आस्था मन से आते हैं। और इस तरह से जो पूर्व महाराजा गज सिंह है वो उनका परिवार भी पूजा यहीं पर करते हैं और यहाँ का जो संदेश है वो देश विदेश तक रहता है। विदेशी सैलानी जब यहाँ पर आते हैं तो माँ चामुंडा के दर्शन करना नहीं भूलते। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव कौर, जी मीडिया, जोधपुर। टोंक जिले के देवली क्षेत्र के कुंचलवाड़ा गांव स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बिजासण माता के दरबार में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं का दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि यहां पर लकवा जैसी गंभीर बीमारियां माता के दर्शनों से दूर हो जाती हैं और ऐसे में लकवा, आंख, कान और नाक सहित असाध्य रोगों से घिरे मरीज भी माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शनों के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। माता का ये मंदिर 200 वर्ष पुराना है। पूरे शरीर में? अच्छा, आधा शरीर में। तो यहाँ माता जी के आने के बाद कितने टाइम में आपके